आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। जबलपुर में बोले सीएम मोहन यादव, टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 2014 में 27 और अब 24 में कांग्रेस का क्लीन स्वीप। हमने आज जब अपने सारे प्रत्याशियों के नाम 10 दिन पहले घोषित कर चुके थे, ये हालत है कि उनके पास कोई नाम नहीं है। प्रदेश के सारे बड़े महानगरों में कांग्रेस का नाम नहीं मिल रहा है। जबलपुर में बोले सीएम मोहन यादव, टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 2014 में 27 अब 24 में कांग्रेस का क्लीन स्वीप। हमने आज जब अपने सारे प्रत्याशियों के नाम 10 दिन पहले घोषित कर चुके थे, देश के सारे बड़े महानगरों में कांग्रेस का नाम नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सभी सीटें जीतकर कांग्रेस का क्लीन स्वीप करने को तैयार है। यह कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का। मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के सीधे में रानी अवती बाई बलिदान दिवस के मौके पर देश का पहला नामांकन फॉर्म दाखिल किया गया है। जबलपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। पूरे देश में चल रही मोदी जी की लहर। जबलपुर सर्किट हाउस क्रमांक 1 पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाव को लेकर प्रदेश की जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी की लहर के बीच कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। सीएम ने कहा कांग्रेस को 29 सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर प्रदेश और देश में बड़ी जीत की ओर भाजपा बढ़ रहा है, टारगेट को कर रहे हैं पूरा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जो टारगेट लेकर हम चल रहे हैं उसे पूरा भी कर रहे हैं। 2014 में टारगेट के अनुरूप हमने 27 सीट जीती, 2019 में 28 सीट जीती और अब 2024 में सभी 29 सीट जीतकर कांग्रेस का क्लीन स्वीप करने वाले हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है कि अब की बात 400 पार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महिला मोर्चा अध्यक्ष के घर पहुंचे सीएम। जबलपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्षता रूपा राव के घर भी पहुंचे। दो दिन पहले महिला रूपा राव के पति का देहांत हो गया था। सीएम ने रूपा राव से कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा भाजपा साथ में खड़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।